Hello everyone, I am back with a new video. This is chapter number 1 and example number 7. This is a very good and a tricky question, so let's start and discuss this question. Let me use a pen. Okay, the question is, a shopkeeper earns a profit of rupee 1 by selling one pen and incurs a loss of 40 paisa per pencil while selling पेंसिल ऑफ ओल्ड स्टॉक. मतलब शॉपकीपर है जो कि अगर पेन बेचता है तो उसको एक रुपए का प्रॉफिट होता है, जबकि वो पेंसिल बेचता है तो उसको हर पेंसिल पे 40 पैसे का लॉस होता है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर मंथ शी इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपी 5. इसका साफ साफ ये मतलब है कि उसने पेन भी बेच लिए हैं, पेंसिल भी बेच ली हैं और तब भी उसको 5 रुपए का नुकसान हो गया है. In this period, she sold 45 pen. जबकि उसने 45 pen भी बेचे हैं. How many pencils did she sell in this period? Question को करने से पहले समझना ये है, question क्या कहना चाह रहा है. Question ये कहना चाह रहा है कि जो shopkeeper है उसने pen भी बेचे, pencil भी बेची, लेकिन उसको loss हो गया. देखिए लॉस और प्रॉफिट क्या होता है ये आपको पता है. जब हम कोई चीज़ कम में ख़रीदते हैं ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और अगर हम ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेच पाएँ तो हमें लॉस होता है. क्वेश्चन में बताया है कि उसको ओवरऑल पेन पेंसिल बेचने के बाद 5 रुपये का लॉस हुआ है. डेफिनेटली क्या होगा कि उसने पेन कम बेचे होंगे और पेंसिल्स ज़्यादा बेची होंगी. इस चीज़ को दिमाग में रखना है. तो अब आंसर पे आ जाते हैं. एक पेन पे 1 रुपये का फ़ायदा है तो हमने प्लस 1 लिखा है, पेंसिल पे 40 पैसे का नुकसान है इसलिए उसको माइनस 40 लिखा है. अब देखते हैं, सबसे पहली बात ये है कि अगर वो 45 पेन अलग से बेचता तो उसे कितना प्रॉफिट था. तो 45 पेन बेचता तो 45 × 1 दैट इज़ 45 रुपी, क्योंकि हमें हर पेन पे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है. हमें मालूम है कि टोटल लॉस ज़्यादा है, तो मतलब लॉस की वैल्यू बड़ी होगी, इसीलिए हमने टोटल लॉस टोटल प्रॉफिट जब दोनों को जोड़ देंगे तो फिर हमें ओवरऑल लॉस होगा. ये हमने कैसे बनाया फिर से समझिए. हमें पता है कि लॉस और प्रॉफिट को जब हम मिलाते हैं तब हमको मालूम चलता है कि क्या हुआ. हमको पता है कि टोटल लॉस ज़्यादा है, टोटल प्रॉफिट कम है, इसलिए हमें जाके ओवरऑल लॉस हो रहा है. हमने उसको वैसा ही लिख दिया यहाँ पर, टोटल लॉस प्लस टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ओवरऑल लॉस. हमने टोटल लॉस नहीं पता था तो हमने लिख लिया कि वो x रुपए हैं. टोटल प्रॉफिट हम ऊपर निकाल चुके थे पेन बेचने पर 45 का, और ओवरऑल लॉस उसको 5 रुपए का था इसलिए हमने उसको माइनस 5 लिखा है. ट्रांसपोज करके 45 को यहाँ पर लेके आए तो आंसर हो गया -50 रुपीज़. मतलब टोटल उसको -50, मतलब 50 रुपए का उसको लॉस एक्चुअल में हुआ है. अब आपको पता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे अब क्या हम इस 50 रुपी को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. अब हमको नंबर ऑफ़ पेंसिल्स निकालनी है, तो आपको पता है कि हमें जब कोई भी चीज़ की संख्या निकालनी होती है, नंबर्स निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल आपको वैल्यू दी होती है और उसमें से एक पेन या पेंसिल है जो भी एक होता है उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं. तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ पेंसिल्स कैसे निकलेंगी कि टोटल 50 रुपी का लॉस हुआ और हर पेंसिल पे 40 पैसे का लॉस होता है, तो हमने उनको आपस में डिवाइड कर दिया. बट डिवाइड करने पर हमने इस 50 को कन्वर्ट कर लिया है पैसे में, तो 5000 पैसे डिवाइडेड बाई 40, माइनस से माइनस ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 125 पेंसिल्स. सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट. ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है. इसका साफ साफ मतलब है जितने पैसे का पेन बिके उतने ही पैसे की पेंसिल्स बिकी. ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने पैसे का पेंसिल है उतने ही पैसे का अब क्या होगा आपके पेन हो जाएंगे. तो पेंसिल्स कितने बेचे, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले निकाला कि पेंसिल्स पे कितना पेंस पे कितना प्रॉफिट था, तो वो 70 रुपीज़ था. तो 70 रुपी का ही लॉस भी होगा, तो 70 रुपी को हम 7000 पैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक वैल्यू रुपी में है और एक पैसे में है. तो जब 70 रुपये का पेन पे प्रॉफिट हुआ तो 70 रुपये का ही पेंसिल पे लॉस हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 70 रुपीज़. अब नंबर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, टोटल वैल्यू में से पर की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया, देन वी गॉट द आंसर 475
पेंसिल्स। इसी तरीके के और क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में हैं, वो इसी कंसेप्ट से अगर आप लगाएंगे तो वो क्वेश्चन भी इजीली आपके लग जाएंगे। इसमें आपको ट्रिक है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।